नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना जंक्शन पर बनेगा एयरपोर्ट जैसा वीआईपी लाउंज, मिलेगी ये सुविधाएं। डीएलएड में आवेदन की आखिरी तिथि बढ़ी, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई। बिहार में 8 से 15 अगस्त तक हर घर फहरेगा तिरंगा, हर विभाग से मांगा गया प्लान, जाने क्या है तैयारी। पटना में 5 साल बाद फिर शुरू होगा फ्लोटिंग रेस्तरां, जाने कब से ले सकते हैं गंगा नदी में क्रूज का आनंद। बिहार के सबसे बड़े स्टेशन पटना जंक्शन पर अब मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। पटना जंक्शन पर इसी महीने से एग्जीक्यूटिव लाउंज शुरू होगा। उद्घाटन के बाद पटना से सफर करने वाले यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। कुछ हिस्से में लाउंज बनकर पूरी तरह तैयार है, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। दानापुर रेल मंडल के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के वरीय अधिकारी से उद्घाटन के लिए समय मांगा गया है। समय मिलते ही एग्जीक्यूटिव लाउंज का उद्घाटन होगा। अधिकारियों की माने तो इस महीने हर हाल में इसकी शुरुआत हो जाए। एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाने का मकसद जंक्शन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। इस कड़ी में बेहतर सुविधा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना जंक्शन पर अब यात्रियों को रेल का इंतजार करना पहले जितना बोरिंग नहीं होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं वाला लाउंज बनाने की कड़ी में इसका निर्माण कराया है। बिहार में डीएलएड के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा कराई जाने वाली इस परीक्षा के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अब 22 जुलाई 2022 तक secondary.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 24 जुलाई होगी। बिहार डीएलएड में नामांकन के लिए 27 जून को फॉर्म आया था, जिसे भरने की आखिरी तारीख 17 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 जुलाई कर दिया गया है। वहीं इस परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड 25 जुलाई को जारी किया जाएगा और एडमिट कार्ड में संशोधन के लिए 28 जुलाई तक का वक्त होगा। वहीं इसकी परीक्षा अगस्त महीने में प्रस्तावित है, परंतु अभी तक परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में इस साल के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने 8 से 15 अगस्त तक सुबह में हर घर झंडा का कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान न सिर्फ सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहरेगा, बल्कि गांव-गांव में हर घर में झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसको लेकर कला संस्कृति एवं युवा विभाग को नोडल बनाते हुए राज्य सरकार के सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सभी सरकारी विभागों में वितरण के लिए सहकारिता विभाग के बुनकर और जीविका दीदियां झंडा तैयार करेंगी। इसके लिए सहकारिता विभाग के बुनकरों को 8,000 और जीविका दीदियों को 12,000 झंडों के निर्माण का टास्क मिला है। अक्टूबर से पटना के गंगा नदी में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्तरां का फिर से लोग आनंद उठा सकेंगे। इस क्रूज की मरम्मत का काम दोबारा शुरू किया गया है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गांधी घाट पटना में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2009 में MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्तरां शुरू किया गया था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी आने से सुरक्षा दृष्टिकोण से 2017 से यह बंद है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक कंबल तनुज ने कहा कि इसके मरम्मत का काम दोबारा से शुरू किया गया है और अक्टूबर से इसे दोबारा लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निविदा को सफल बनाने में देश के सभी तटीय शहरों और तटीय राज्यों के सभी प्रमुख शहरों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया था, जिसमें संध्या सम्राट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पटना का चयन किया गया है। चयनित एजेंसी को PPP मोड के तहत 15 वर्षों के लिए लीज पर संचालन के लिए दिया गया है। पटना जू में आने वाले विजिटर्स को यहां के वन्य प्राणियों और पेड़ों की जानकारी अब स्मार्टफोन से भी मिल सकेगी। जू प्रशासन की ओर से वन्य प्राणियों को बाड़ी और महत्वपूर्ण पेड़ों पर बारकोड लगाए जाएंगे। यहां आने वाले दर्शक उस कोड को अपने मोबाइल में स्कैन कर वन्य प्राणी और पेड़ों की पूरी जानकारी ले सकेंगे। पटना जू में पहली बार यह सुविधा विजिटर्स के लिए बहाल की जा रही है। मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर की ओर खिसकी है, लिहाजा 20 जुलाई के आसपास बिहार में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। IMD की इस रिपोर्ट के आधार पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश बिहार में सूखे की बढ़ रही आशंका को खत्म कर सकती है। इस बारिश से प्रदेश के तापमान में भी काफी गिरावट आ जाएगी। जानकारों के मुताबिक अब तक मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण की तरफ थी, इसकी वजह से मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा था। फिलहाल आगामी 2-3 दिनों में ट्रफ लाइन खिसकने के असर दिखने लगे हैं।
19 जुलाई को उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इधर पिछले 36 घंटे में बिहार में लोकल थंडर स्टॉर्म की वजह से किशनगंज, सिवान, पटना, भोजपुर, बांका, गोपालगंज, बेगूसराय और सारण के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड सड़क से होकर 2025 तक आवागमन शुरू होने की संभावना है। इस रूट पर पटना से बिहटा एयरपोर्ट जाने के लिए कन्हौली के पास बनने वाले टोल प्लाजा के बाद करीब 600 मीटर लंबा एक टनल भी बनेगा। इस एलिवेटेड सड़क को बनाने के लिए टेंडर से निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। NHAI ने करीब 3,737.51 करोड़ रुपए की लागत से कुल 25.08 किलोमीटर लंबे दानापुर बिहटा कोइलवर सड़क के निर्माण के लिए 29 अगस्त 2022 तक टेंडर का आमंत्रण दिया है। सितंबर 2022 तक निर्माण एजेंसी के चयन और अक्टूबर 2022 से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड योजना पटना बक्सर सड़क परियोजना का भाग है। कोइलवर से बक्सर तक फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसे दिसंबर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत दानापुर से बिहटा तक करीब 21 किलोमीटर लंबाई में एलिवेटेड सड़क का निर्माण और शेष 4.08 किलोमीटर लंबाई में फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसमें सिवला से बिहटा के बीच वर्तमान सड़क से चार जगहों पर बाईपास बनाए जाएंगे। ये बाईपास नेवरागंज, पैनाल, कन्हौली और बिशनपुरा में बनेंगे। इस सड़क में बिहटा एयरपोर्ट के जाने के लिए एट ग्रेड लिंक रोड का भी प्रावधान किया गया है। इन दिनों बिहार में आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी है। पटना से 3 एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो की PFI से RSA के तुलना वाले बयान पर विवाद जारी है, जिसमें अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो गई है। इस बयान को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने इसे अपना समर्थन दे दिया है। SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो को बर्खास्त करने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में NDA की सरकार है और ये लोग अपने ही प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। इन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इन्होंने इतना कह दिया कि RSS कहीं न कहीं देश के लिए खतरा है। वहीं यादव ने कहा है कि विरोधी ताकतों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है, साथ ही जो लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं उससे निपटने की जरूरत है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस मामले को सरकार और एजेंसियां ही देखें। बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी परिणाम में 1998 दरोगा और 215 सार्जेंट सफल घोषित किए गए हैं। दरोगा के 1998 पदों में 742 महिलाएं भी सफल हुई हैं, जबकि सार्जेंट के 215 सफल आवेदकों में 84 महिलाएं भी हैं। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के विरुद्ध 600,000 से अधिक आवेदकों की दो पालियों में लिखित परीक्षा हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा में 47,900 आवेदक सफल हुए थे, जिनके लिए 20 अप्रैल को दो पालियों में मुख्य परीक्षा हुई थी। इसका परिणाम 6 मई 2022 को जारी हुआ। इसमें 14,856 आवेदक सफल घोषित किए गए थे। बिहार सरकार के कार्यालयों या सरकारी बैठकों में प्लास्टिक पानी की बोतल व प्लास्टिक से बने फोल्डर का उपयोग नहीं होगा। विमोचन समारोह में किताब या रिपोर्ट को प्लास्टिक से बांधने की भी परंपरा खत्म होगी। 1 जुलाई 2022 से सुबह में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाए जाने के बाद इसको प्रभावी बनाने को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक में सरकारी विभागों को मॉडल बनकर आगे आना चाहिए। विभिन्न विभागों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक के लिए वैकल्पिक सामग्रियों जैसे कागज, कपड़ा, पत्तल या कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इसको लेकर शहरी निकायों में विकल्प वाली उद्योगों की इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह के स्तर पर स्टील कटलरी बैंक की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाना है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 497 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सबसे अधिक पटना जिले में 178 नए संक्रमित पाए गए। वहीं दो कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है, जबकि 409 स्वस्थ भी हुए हैं। साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2596 हो गई है। 24 घंटे में राज्य में 120,170 सैंपलों की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सिर्फ पटना जिले में पिछले 24 घंटे में 178 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 19 कोरोना
मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1352 हो गई है। नए संक्रमितों में पीएमसीएच के एक जूनियर डॉक्टर व एक नर्स, आईजीआईएमएस के दो स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल हैं। पटना जंक्शन एयरपोर्ट और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 27 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि की गई है।